पंजाब दे विच किसानां दे धरने लगातार जारी ने। पहला किसान चंडीगढ़ दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे दरबार दे विच गए, उत्थे धरना लग्गिया, पर ओह धरना मुख्यमंत्री वल्लों मीटिंग करके किसानां नाल समाप्त कर लिया गया। पर संगरूर दे विच बिजली बोर्ड दे वड्डे अधिकारियों नूं किसानां ने इस समय बंधक बनाया होया गा। मामला ट्रांसफार्मर नूं लैके आ, जिहड़े खेतां दे विच ट्रांसफार्मर लगे हुए ने, ओह ट्रांसफार्मर ओवरलोड होण दे करदे दे चलदे सड़ जांदे ने। पर हुण महकमा जिहड़ा कह रिहा कि ओह जिहड़े ओवरलोड ने, जाने कि ट्रांसफार्मर मोटरां दी जिहड़ी पावर आ जिहड़ी ओह वधाई जावे, क्योंकि किसानां दे खेतां दे ज़्यादातर मोटर ने जिहड़ियां 20 हाउस पावर दियां मोटर ने, तो ट्रांसफार्मर ने जिहड़े ओह 16 पावर दे लगे हुए ने, जाने कि वह ओवरलोड होकर चलते हैं। तो हुण जिस किसान की खेत के जो ट्रांसफार्मर सड़िया गा वो 16 पावर का सी, मोटर जिहड़ी 20 हाउस पावर की सी। हुण महकमा कह रहा कि 5000 रुपया प्रति पावर के हिसाब के भरया जाए, जाने कि 25000 रुपया जिहड़ा वो भरया जाए, तद ट्रांसफार्मर वड्डा 20 हाउस पावर का ट्रांसफार्मर जिहड़ा मोटर के उपर धरया जाऊगा। पर तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि इस समय किसानों ने बिजली बोर्ड के जिहड़े वड्डे जिहड़े अधिकारी ने जिहड़े उन्होंने इस समय कह सकते हैं दफ्तर के विच बंधक बनाया होया गा। इसलिए ये वड्डे सारे जिहड़े कह सकते हैं किसान ने सवेर तो लेके ही जिहड़ा इत्थे धरने के उपर बैठे हुए हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, बिजली बोर्ड के वड्डे अधिकारियों के नाल मीटिंग चल रही है, क्योंकि पूरे जिले में इसे दफ्तर के बह के जिहड़े बिजली बोर्ड के अधिकारी ने जिहड़े वो मैनेज करते हैं। कोई परेशानियां होंदियां ने तां लोग मिलने लई इत्थे ही आउंदे ने, क्योंकि बिजली विभाग के जिहड़े SC ने वह जिहड़े वड्डे अधिकारी ने जिहड़े एक्शन तो थले हुंदे ने वह इत्थे आके बैठते हैं। सवेरे किसान आए अपनी मंग नूं लैके आए सी, सिर्फ कि जिहड़ा एक कोई साहब पिंड दा जिहड़ा एक किसान दा ट्रांसफार्मर सड़िया वह ट्रांसफार्मर दी जिहड़ा बदली करके नवां ट्रांसफार्मर दे दित्ता जावे, पर नहीं होया। किसान कह रहे हैं कि 1200 रुपया प्रति जिहड़ी हाउस पावर के हिसाब के नाल जिहड़ी वो जिहड़ा पैसा भरा लिया जाए, तो सारे किसान भरन नूं तैयार ने, क्योंकि ज़्यादातर जिहड़े किसान तुसीं इत्थे बैठे नज़र आ रहे हर एक दे खेतां दे विच जिहड़ा जिहड़ियां मोटरां ने वो वड्डे हाउस पावर दियां ने, ट्रांसफार्मर ने जिहड़े आम तौर पर वो छोटे ने। जिवें ज़्यादातर जिहड़े खेतों के 16 हाउस पावर के जिहड़े ने वो ट्रांसफार्मर ने, मोटरां 20, 22, 25 जां इस तरह दियां लगियां होईयां ने। पहलां सरकार वल्लों स्कीम आई सी कि जिहड़ियां मोटरां दी पावर सी जिहड़ी ओह 1200 रुपया प्रति पावर के हिसाब के नाल वधा ली गई थी, पर हुण इस समय महकमा 5000 रुपए की मंग कर रहा। तां किसान कह रहे हैं कि समझौता कर लिया जाए तो 1200 रुपया हाउस पावर के हिसाब के नाल सारे किसान जिहड़ा पैसा भर लई तैयार ने, तो उन्होंने खेतों के वड्डे ट्रांसफार्मर जिहड़े लगा ले जाण, क्योंकि झोने का सीजन है जिहड़ा हुण शुरू होण वाला है कुछ ही दिनों बाद। तो इस मसले को लैके किसान डटे हुए हैं कि अगर सीजन के ट्रांसफार्मर सड़ जाता है तो फसल का नुकसान होंगे। साडे नाल किसान आगू उन्हां नाल गलबात करांगे। सर, हर बारी धरना लाना पैंदा है, धरने तो बाद हल हुंदे ने। पहला अज चंडीगढ़ दे विच मुख्यमंत्री दे नाल कल तो किसान डटे हुए सी, उत्थे समाप्त हो गया, मंगा मन लिया गई, पर अज संगरूर दे विच बिजली विभाग के वड्डे अधिकारी तुसी घेरे हुए ने, हालती उन्होंने घर नहीं जाण दिता, ट्रांसफार्मर नूं बदलने नूं लैके मामला आया, तो हुण कित्थे गल निबड़ी आ? देखो जिहड़ा ट्रांसफार्म का यह मसला हैगा, यह ट्रांसफार्म छोटा हैगा, मोटर बड़िया पाउनिया पईआं सानू, क्योंकि पानी लगातार डूंघा जाई जांदा हैगा, पर सरकार ने इहदे वास्ते 5000 रुपया पर हॉर्स पावर के हिसाब नाल सातों भराउंदी हैगी। पर साडी मंग है भी जिथे यह जिहड़ी बिजली महकमा है वह 1200 हॉर्स पावर के नाल सातों लैण, असी सारे लोड वधा लांगे, जिन्नियां मोटरां साडियां ओवरलोड चलदियां ने असी सारा ओवरलोड पूरा कर लांगे। पर यह सातों इस समय किसान तो तैयार है कि पैसा सब तो ले लिया जाए, नाले खजाना भरे सरकार दा, उत्थे पैसा जमा करवावे, पर हुण ना महकमा ना सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही। बिल्कुल बिल्कुल यही गल है, यह बहुत चिर की साड़ी मंग हैगी, यह असी अज की सरकार तो भी मंग कर देंगे भी जिहड़ा अज सानू सवेर तो लैके सारी दुपहर साडे सिर दे उत्तों दी लंघी है, साडे किसान बैठे ने, असी दफ्तर का घराओ किया होगा, तो अज रात हो सकता जे साडी गलबात नहीं नेपरे चढ़ती, यही लगातार इनू जारी रखांगे। जिन्ना चिर सरकार सातों 1200 रुपया पर हॉर्स पावर के नाल नहीं भराउंदी, उदू इदू वध असी रेट नहीं दे सकते हैगे, तो असी सरकार तो मंग करदे आ साडे ट्रांसफार्मर जिहड़ा लोड आ उहदे मुताबक मोटरां दे लोड मुताबक किए जाण, वड्डे किए जाण, उही मंगा ने, क्योंकि जदों मोटर वड्डी हुंदी आ ट्रांसफार्मर छोटा हुंदा तां ट्रांसफार्मर मच जांदा हैगा, इसलिए उहदे विच सरकार नूं भी घाटा पैंदा, किसान नूं भी घाटा पैंदा हैगा, क्योंकि सरकार नूं ट्रांसफार्मर नवां धरना पैंदा दरबारों, तो किसान दी फसल सुक जांदी हैगी। लगदा कि हुण जदों ट्रांसफार्मर दुबारा तों जिहड़ा
ਤਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ देखो एसी साहब ना साड़ी सवेरे भी गल हुई है हूँ भी हुई है एसी साहब बैठे ने एक्शन साहब बैठे ने डीएसपी साहब बैठे ने एसएचओ साहब बैठे ने क्योंकि साड़ा तर्क यह आ भी जेड़ा किसान दे कोले 5 किले जमीन आदि 20 की मोटर आनू 30 की पानी पेगी जमीन 3 किले रहेगी लोड़ की तुक की बनती है भला इस करके किसान तो लगातार खुदकुशियां कर रहे हैं यह जी हम एसी साहब ना साड़ी गल हुई है भी इस मैटर का हल है जोड़ा वो इस मैटर का हल करना इस करके असी पंजाब कमेटी वालों विचार के यह बड़ा मसला ये तो आने वाले दिनों बड़ा एक्शन करा धरना समाप्त कर रहे हाँ बिल्कुल हूँ साड़ी गलबात होगी इस परिवार का हल आ जोड़ा यह एसी साहब ने कहा भी सवेरे इस परिवार का असं हल कर देंगे मतलब ट्रांसफार्म लग जाएगा बिल्कुल इस ट्रांसफार्म लग जूगा तो आने वाले दिनों इस पॉलिसी क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन हदायतों के मुताबिक आ ज असी भी जथेबंदी के तौर पर साड़ी भी नीति पॉलिसी आ असी भी इधर बजे हुए हैं तो वो उपरों जो एसी साहब ने उन्होंने भी वो हिसाब ना जो चलना है इस करके लड़ाई पंजाब पद्धरी कितों तो बनेगी लड़ाई आने वाले दिनों असी इस गल के उत्ते क्योंकि आने वाले दिनों पैड़ी सीजन ने शुरू होना बड़ा ट्रांसफार्मर ने मचना इस तपसा जी बद जाएगी कि हूँ इस मामले लैके क्योंकि ज़्यादातर लोगों के खेतों के किसानों के खेतों में ट्रांसफार्म छोटे ने मोटर बड़िया ने हूँ ये खिलाफ़ लड़ाई लड़ी जाऊगी लंबी होर या फिर तुम्हें भरोसा दिता गया अंदरों कोई भी इस पर बचार आएंगे ज उस जिम्मे पहला 1200 रुपये प्रति हाउस वापस देना पैसा भरा जो भरा ये एसी साहब नाल साडी सवेरे दीआं 3 मीटिंगां होईआं ने जिहड़ा मसला इह सरकार पद्धर दा मसला है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਵਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 1200 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਬਦੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ 5000 ਭਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਣਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਵਰ ਦਾ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਸੋ ਪੰਜ ਚ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਭਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ